हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी खबर आ रही है रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा से संबंधित, कब तक एडमिट कार्ड जारी होगा, ये आज के अखबारों में है। दैनिक जागरण, नई दिल्ली। तो क्या है, कोरोना वायरस महामारी के चलते रेलवे में कई स्तरों पर थम गई भर्तियां, जल्दी ही चालू हो जाएगी। इस राह में सबसे बड़ा चुनौती लगभग 150 करोड़ अधिक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन करना। हालांकि परीक्षा कराने के लिए केंद्रों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है, भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा। कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार आने के साथ ही हम भर्ती की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। भारतीय रेलवे में 35,200 पद नॉन टेक्निकल पॉपुलर एनटीपीसी के, जिनके लिए कुल कितनी है, 1.60 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। रेलवे भर्ती के चेयरमैन यादव ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदनों की जांच करना ही अपने आप में बड़ा काम था जो पूरा कर लिया गया। मतलब बड़ी खबर क्या है कि आपको जो आवेदन की जांच करने का काम था वो पूरा हो गया है। स्क्रूटनी का सारा काम कंप्यूटर आधारित था। 3 वर्षों में पूरी होने वाली ऐसी भर्तियां मैराथन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इन पदों की भर्तियों का विज्ञापन वर्ष 2018 में निकला था। यादव ने बताया कि कोरोना की विपदा से पहले हम परीक्षा केंद्रों का चयन पूरा करने वाले थे, लेकिन महामारी ने रास्ता रोक दिया। उन्होंने कहा कि 1.60 करोड़ आवेदकों को परीक्षा एक साथ बाहर निकालना बड़ी चुनौती है, इसके लिए पूरी मुस्तैदी बरतनी होगी, लेकिन तैयारियां तेज कर दी गई है। यादव ने बताया कि असिस्टेंट कोच, पायलट और टेक्निकल कुल 46,371 पदों पर भर्तियां हो रही है। इसके लिए 46 लाख आवेदन आए थे। इसमें भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से पूरी हुई और चरणबद्ध तरीके से चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र जारी भी किए जा रहे हैं। अगले वर्ष में होने वाले रिक्तियों के हिसाब से नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कोच, पायलट और टेक्निकल वर्ग उच्च तकनीकी सेवाएं हैं, जिनके नियुक्ति होते ही चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, इसलिए जरूरत के हिसाब से नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आवेदनों की जांच तो पूरी कर ली गई है, परीक्षा केंद्र भी चिन्हित कर दिया गया, एडमिट कार्ड भी 4-5 दिन पहले जारी होगा, लेकिन ये परीक्षा होगी कब? तो आप समझ सकते हैं कि अगर, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग निराश थे कि टेंडर की डेट, क्योंकि 25-7 तक है, तो फिर टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं, तो ये सब प्रक्रिया कैसे शुरू हो रही। तो निश्चित रूप से ये सब प्रक्रिया जो कि शुरू हो गई है और जुलाई में तो संभावना नहीं है, और जो हालात, क्योंकि CBSE की परीक्षा भी स्थगित होने के कगार पर आ गई है, तो जुलाई में तो बिल्कुल परीक्षा नहीं होगी। अगस्त भी मुश्किल, तो सितंबर तक है जो कि आपको RRB NTPC है जो कि परीक्षाएँ शुरू हो सकती है। और क्योंकि चिन्हित अगर कर भी लिया गया तो ऑनलाइन परीक्षा तो अभी फिलहाल कराना, तो कम से कम अगर कितना भी तेज करें तो अगस्त से 15 अगस्त के बाद, नहीं तो फिर सितंबर में संभावना है कि आपको RRB NTPC की परीक्षा होगी। और पहले है जो कि RRB NTPC की परीक्षा होगी, उसके बाद ग्रुप डी, अगर उसके बाद नवंबर दिसंबर में परीक्षा हो सकती है। तो मतलब अपडेट आ गया कि अब आपको दिसंबर तक RRB NTPC परीक्षा का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और आपको सितंबर तक है जो कि परीक्षा होने की उम्मीद बढ़ गई है। अब जानते हैं कि RRB NTPC का सिलेबस क्या है। तो आपको फर्स्ट स्टेज पहले है जो कि CBT 1 होगा, फिर सेकंड स्टेज में CBT 2 होगा, फिर टाइपिंग स्किल होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब 4 प्रोसेस होंगे। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2, दे विल डू दी रिक्वायर टू गो स्किल टेस्ट एंड डिफरेंट कैंडिडेट अपीयरिंग पोस्ट सच एज। तो CBT 1 में RRB NTPC के लिए क्या होगा, तो आपको 100 मार्क्स के रहेंगे, आपको 30 मार्क्स के मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग 30 मार्क्स, और आपको जनरल अवेयरनेस 40, मतलब टोटल 190 मिनट समय रहेंगे। 1/3 जो कि नेगेटिव रहेगा, 40% जनरल में, और कैटेगरी वाइज जो कि लाना पड़ेगा आपको। उसके बाद है जो कि आपको PWD के लिए, लेकिन 120 मिनट रहेगा, 1/3 नेगेटिव रहेगा। और कितना गुना रिजल्ट दिया जाएगा CBT 1 के बाद, CBT 2 के लिए 20 गुना दिया जाएगा। उसके बाद CBT 2 क्या होगा, ये भी कंप्यूटर बेस्ड होगा और आपको 120 नंबर करेगा। मैथमेटिक्स 35, जनरल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग 35, जनरल अवेयरनेस 50, टोटल 120, और 120 नंबर, 90 मिनट इसका भी समय रहेगा, 1/3 इसमें भी नेगेटिव रहेगा। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स तो दिया ही जाएगा, और
मिनिमम है जो कि आपको 42 नंबर है जो कि लाना है आपको, टी स्कोर है जो कि ये टी स्कोर ये लाना पड़ेगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट में आपको कैंडिडेट इंग्लिश के लिए जो कि 30 और हिंदी के लिए 25 करना पड़ेगा 8 times जो कि आपको टाइपिंग की वैकेंसी का रियल टाइम। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो ये हो गया आपको RRB NTPC का। NTPC की तैयारी कैसे करें, तो ये RRB NTPC के जितने पहले जितने भी सॉल्व वाले जो परीक्षाएं मिल रही है उसको आप सॉल्व कर लीजिए, मैथ रीजनिंग चाहे GS हो, आप उसकी प्रैक्टिस सेट है जो कि कंटिन्यू जारी रखिए। उसके बाद ग्रुप डी की क्या होगी, ग्रुप डी में आपको इसी तरह 100 मार्क्स के रहेंगे, 25 जनरल साइंस, 25 मैथ, 25 ये 30 है जो कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जनरल अवेयरनेस, 20 टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1.5 घंटे का समय रहेगा और PWD के लिए 2 घंटे का समय रहेगा। तो आपके लिए अच्छी खबर है कि कम से कम इतनी तो क्लियर हो गई कि आपकी जाँच है जो कि आवेदनों की पूरी कर ली गई है, वो भी कंप्यूटर आधारित था इसलिए जाँच पूरी हो गई है। अब आपको अगस्त या सितंबर में परीक्षा होने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है, इसी के आधार पर जो कि तैयारी अपनी जारी रखें। और जो लोग अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार दरोगा मेंस हो, SSC इंटर लेवल मेंस या अन्य केंद्र या राज्य के परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये भी एक सुनहरा मौका जो कि आने वाला है। तो इसी के साथ धन्यवाद।